प्रभु का ही सब गुणगान है। उपस्थित सभी पूज्य महाराज गण और आए हुए हमारे यहाँ अतिथिगण, हमारे फादर जूलियन सर, आप सभी को हमारा अभिनंदन। हिंदी में आरंभ करने से पहले थोड़ा सा बंगला बोलने का ही जैसे अभ्यास हो गया यहाँ पर, तो अक्षय कुमार सेन की जो पुंथी है उस पुंथी में एक बहुत अच्छा वर्णन आता है, उसका गान किए बिना रहना मुश्किल है। कहते हैं, से बागाने एक दिन प्रभुदेव भक्ता दी, देखिलेन दियाले गाय पटे आंका अपरूप क्राइस्टिन प्रतिरूप, एक भावे अनिमित होय देखिते देखिते ताय अति ज्योति बाई राय, मूर्तिर गाय सुने मन मिसिलो से ज्योति राशि, प्रभुर श्री अंग आसी ताहे प्रभु होइलो कैमन, उठिलो हृदय तूफान प्रिय जीशु गुण गान, देव देवी नाम मात्र नाई हाव भाव क्रिस्टियानी, गंध नाई हिंदुआनी बड़ो खेला करिले गोसाई, बसिया निज मंदिरे देखितेन गिरजा घरे बड़ो बड़ो साहेब पादरी, प्रभु होए बाज्य हारा सुनेन गॉस्पेल पड़ा, 3 दिन 3 विभावरी दिन त्रय गेलो परे फिरिलो श्री प्रभु घरे, श्री बदने श्यामा श्यामा रवे अगण्य साधना जार, जतो पथ एकाकार बुझे तार कैमन माधव। श्री प्रभु की ये जो लीला है सचमुच मानव के खुद की आप अपनी समझ में आना सचमुच मुश्किल है। आइए श्री रामकृष्ण देव के इस अद्भुत लीलाओं में जो विभिन्न धर्मों की जो साधना है उसका एक अंश का पाठ किया जाए। उस समय उनका श्रीयुत शंभुचरण मलिक के साथ परिचय हो चुका था तथा उनसे बाइबल सुनकर श्री ईशा के पवित्र जीवन तथा संप्रदाय प्रवर्तन की बातें उन्हें विदित हुई थी। उनके हृदय में इस इच्छा का किंचन मात्र उदय होते ही श्री जगदम्बा के ने अद्भुत रूप से उसे पूर्ण कर उनको कृतार्थ किया। तदर्थ उन्हें विशेष कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। घटना इस प्रकार हुई थी, दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दक्षिण और यदुनाथ मलिक का बगीचा था, अभी भी है, आप लोग देख सकते हैं। वहाँ श्री रामकृष्ण देव कभी कभी वहाँ टहलने जाते थे। यदुनाथ जी तथा उनकी माँ श्री रामकृष्ण देव के दर्शन प्राप्त करने के समय उनके प्रति विशेष भक्ति श्रद्धा करने लगे थे। अतः बगीचे में उन लोगों के न होने पर भी श्री रामकृष्ण वहाँ टहलने जाते थे। तब कर्मचारी लोग बाबू की बैठक खोलकर कुछ देर वहाँ बैठने और विश्राम करने की व्यवस्था कर दिया करते थे। वहाँ पर दीवार पर एक ऐसा जीशु क्रिस्ट जी का एक चित्र उन्होंने देखा। माँ की गोद में बैठे हुए श्री ईशा की एक बाल मूर्ति भी उन्होंने उसमें देखी। श्री रामकृष्ण कहते थे कि एक दिन उस कमरे में बैठकर तन्मयता के साथ उस चित्र को देखते हुए श्री ईशा के अद्भुत जीवन वृतांत का चिंतन कर रहे थे। उसी समय अकस्मात उन्होंने देखा कि वह चित्र मानो जीवित तथा ज्योतिर्मय हो उठा एवं उस अद्भुत जननी और देव शिशु के अंगों से ज्योति रश्मियां उनके हृदय में प्रविष्ट होकर उनके अंतर में भावों को समूल परिवर्तित कर दे रही है। जन्मगत हिंदू संस्कार समूह उनके हृदय में रहने पर भी ईसा मसीह के प्रति भक्ति और प्रेम उनके अंतर में जागने लगी और इस प्रकार हम देखते हैं श्री रामकृष्ण देव ईसा मसीह का दर्शन करते हैं। और बाकी बातें और भी बड़ी सुंदर हैं और इस समय अभाव में हम थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ स्पर्श कर रहे हैं। यह स्वामी विवेकानंद के जीवन से भी एक बहुत बड़ी घटना है जिसके कारण श्री रामकृष्ण मठ जो आज हम देख रहे हैं एक संस्था के रूप में ईसा मसीह के पवित्र जीवन त्याग और वैराग्य की भावना यहाँ देखी जाती है। श्री स्वामी विवेकानंद के जीवन वृतांत से पढ़ता हूँ। श्री रामकृष्ण के देह त्याग के थोड़े ही दिनों बाद नरेंद्रनाथ ने भक्त सुरेंद्रनाथ के उत्साह तथा आर्थिक सहयोग से वरानगर मठ की स्थापना की थी। नरेंद्रनाथ के सम्मुख अब प्रमुख कार्य था युवक गुरु भाइयों के घर घर जाकर उन्हें संन्यास के लिए प्रेरणा देना। इस प्रकार घर लौटे हुए युवकगण मुख्यतः उन्हीं की प्रेरणा से धीरे धीरे मठ में सम्मिलित होने लगे। एक विशेष घटना के कारण इस संघ गठन की में कार्य में सुविधा हुई। 1886 ईस्वी के दिसंबर में बड़े दिन के समय अधिकांश युवक भक्त बाबूराम के घर आठपुर गए थे। वहां एक वृक्ष के नीचे धुनी जलाकर सच चर्चा चलती रहती है।
एक रात को नरेंद्र भाव विभोर हो प्रेरणा दीप कंठ से ईसा मसीह के त्याग वैराग्य पवित्रता और प्रेम की बातें कहते हुए सन्यासी जीवन के तपस्या आत्मनिवेदन सहनशीलता आदि आदर्शों एवं आकांक्षाओं को गुरु भाइयों के मन में इस प्रकार दृढ़ रूप से अंकित करने लगे कि उनके भाव से प्रभावित होकर उन्होंने उसी समय अपना जीवन सन्यास के आदर्श पर परिचालित करने का संकल्प लिया है। इस दिव्य भाव का आवेश दूर होने पर यह जानकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि ईसा मसीह के आविर्भाव की यह पूर्व संध्या थी, माने उस दिन क्रिसमस ईव था। आठपुर से लौटने के थोड़े ही दिन बाद इन लोगों ने संन्यास ग्रहण किया। नरेंद्र का नाम विवेकानंद हुआ और इत्यादि ये सब कहानियाँ हम सब जानते हैं। आज का ये दिन हमारे रामकृष्ण संघ में विशेष स्थान रखता है। आज के इस विशेष दिन पर आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।